आज मैं बात कर रही हूँ एक तरह के कैंसर जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ओरोफेरिंक्स का कैंसर। ओरोफेरिंक्स मतलब जैसे आपने सुना होगा कि मुंह का जो कैंसर होता है उसमें कुछ कैंसर्स में सर्जरी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ रेडिएशन से ही इलाज किया जाता है। वो कौन से कैंसर होते हैं? वो होते हैं जीभ के पीछे का कैंसर, या फिर टॉन्सिल का कैंसर, और या फिर जो गले का कैंसर होता है जिसमें लैरिंग्स का कैंसर जिसे बोलते हैं, या गले में बोलने वाला जो यंत्र होता है वोकल कॉर्ड, उसका कैंसर जो होता है उसको बोला जाता है, वो सारे ही इसमें आते हैं। और ये सारे जो कैंसर होते हैं इनका इलाज रेडिएशन से हो जाता है। और जो ये रेडिएशन है ये लगभग 7 हफ्ते चलता है, हफ्ते में 5 दिन रेडिएशन होता है, 7 हफ्ते चलता है। इस वाले कैंसर्स में सर्जरी नहीं की जाती है। तो दोनों कैंसर में फर्क है, ओरल कैविटी और ओरोफेरिंक्स का कैंसर। और इसमें जो पेशेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम्स होती है वो होती है निगलने में दिक्कत होती है। जैसे निगलने में दिक्कत है, आप मुंह खोल के देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, थूक सटकने में भी दिक्कत हो सकती है, निगलने में दिक्कत होती है, आवाज में भारीपन आ सकता है, या फिर मतलब आवाज जो है वो नाक के बल जो होती है वो निकलती है, और कभी कभी मुंह से जो ब्लड जो है वो भी आता है, और मुंह खोलने पर ऐसे सच कुछ दिखता नहीं है। तो और इसमें एक जब आप अगर एक और जो कैंसर होता है सर्व पैलेट का, तो उसमें मतलब जब मुंह खोलते हैं तो जो बोलने वाला जैसे हम लोग तालू बोलते हैं, तालू तालू के कैंसर भी इनमें आते हैं। तो तालू का कैंसर, टॉन्सिल जीभ के पीछे वाला हिस्से का कैंसर, या फिर पूरे ये गले का कैंसर, ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स और लैरिंग्स, तीन चीजें जो होती है इनका इलाज जो है वो इनमें ऑपरेशन नहीं किया जाता है। ये इनमें जो इलाज होता है वो सिकाई के द्वारा ही चलता है। जो सिकाई जो होती है वो लगभग 7 हफ्ते तक चलती है।